पहले फिर डबल दी छह बाबा को ढूंढते डबल की नहीं देना बाबा डबल ना दिन डबल दियो मेरे यार मम्मी की दराती खो गई है 3-4 दिन से रात को सोई नहीं पा रही है तो भगवान उनको दुख सहन करने की शक्ति दे एक काम से फुर्सत मिलती नहीं कि दूसरा पकड़ा देते जैसे कि मैं अकेले खा रहा हूँ सारे भट। हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है पहाड़ी नवाब किचन में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले लौकी का हलवा। आपको मेरे होते भोग की कमी महसूस होती है बाबा? मंद मंद मुस्कान मम्मी। लौकी का हलवा पापा भी पहली बार खाएंगे, मम्मी भी पहली बार। अब इनका झगड़ा होता आपस में। Hey guys, good morning, welcome back to... Hey guys, good morning, welcome back to Andhra Vlog. So guys, आज morning में 10 बजे से vlog की starting हो रही है। अभी नाश्ता सब कुछ कर चुके हैं, सब डक उल्टा कर चुके हैं। आप सबके जाने की बारी है, सब अपने अपने काम पे जा रही है ना। पापा यहाँ से लाठी उठाएंगे, ये वहां से मम्मी को धोती देंगे, फिर मम्मी गेटअप लेगी अपना घास काटने के लिए। और सुकून इस चीज का है कि हमने बाकी जो दूर दूर वाली जगह थी वहां की घास काट दी और आज से हम घर पे बैठ के आराम करेंगे। अब धूप में ऐसे जलना नहीं होगा दिन भर, उस बात से थोड़ा सुकून है। और आज मेरा बाल दिवस है, मतलब पूरा ग्रूमिंग डे है आज। वैसे वेंसडे है, श्राद्ध हो चुके हैं, तो आज मैं दाढ़ी भी बनाऊंगा, बाल भी कटवाऊंगा मतलब काटूंगा नहीं, और नाखून भी काटूंगा। तो अभी पहले मैं जाता हूँ पड़ाव की ओर, तैयार यार होके थोड़ा बाल वाल कटा के आता हूँ, ये जानवर से थोड़ा सा इंसान बन के आता हूँ, ठीक है। फिर घर आके दाढ़ी छाटूंगा, उसके बाद फिर नाखून काटूंगा, फिर नहाऊंगा, इतना काम है मेरा आज। और फिर बचे खुचे जो कपड़े हमारे गंदे थे उन कपड़ों को भी धोना है यार। बाल छोटे करना काहे को, काहे को छोटे करने के, छोटे छोटे करने के पैसे दे रहे हो क्या है? दे रहे हो ला फिर पापा कहा पहले फिर डबल दी छह बाबा को ढूंढते डबल की नहीं देना है, मैं वहां डबल ना दी डबल दियो मेरे, जी पे कर देना मेरे को, हाँ गूगल पे कर देना, ठीक है। और दिन में काम हमारा ये है कि आज भट्ट छूटने, अपने भट्ट जो परसों निकाले थे थोड़े बहुत ही है, मतलब सफ़ेद वाले भट्ट है, काले भट्ट नहीं है। सफ़ेद भट्टों को अलग छूटेंगे, काले भट्ट को अलग छूटेंगे, तो ये काम भी करना आके बहुत सारा काम है। तो फिलहाल मैं तैयार होता हूँ, फिर मम्मी चलता हूँ, ठीक है, आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कटाए हुए बाल पसंद आएंगे, जिस लेंथ तक हम कटाएंगे उस लेंथ तक आपको पसंद आएगी। और एक और बड़ी बात यार, मम्मी की दराती खो गई है, धपोली जिस टाइम पे हम घास काट रहे थे उस टाइम पे खोई थी, वो मिल ही नहीं रही, तो मम्मी 3-4 दिन से रात को सोई नहीं पा रही है। सपनों में भी उनको मत दराती दिख रही, मतलब इसी किस्म की दराती थी तो उनको वही दराती दिख रही है, नींद में भी दराती उड़ के चल के आ रही, बल यहाँ हूँ वहाँ हूँ बोल रही है, जब मम्मी जाके वहाँ देख रही तो मम्मी को दराती मिली नहीं, तो ऐसा कुछ सीन हो रखा मम्मी की दराती के साथ, बहुत ही दुख में मम्मी। तो भगवान उनको दुख सहन करने की शक्ति दे, उनको दराती जल्दी से मिल जाए। दातुन ना रह रहे, किसी को अगर मिलेगा धपोली आते आते टाइम तो प्लीज देख देना, हाँ या रास्ते में कोई मिलेगा किसी को तो। चलो फिर मैं चलता हूँ मम्मा, ठीक है। एक चीज तो मैं भूल ही गया था यार, मेरे नाखून काटने तो पड़ाव जाऊंगा, ये गंदे से नाखून दिखेंगे क्योंकि इनमें गोबर भरा हुआ किट्टी के यहाँ का, सारी सफाई की थी तो बहुत ही गंदे लग रहे हैं नाखून, बहुत बड़े भी हो गए, तो पहले इनको काट लेता हूँ, सही रहेगा ना। अभी एक और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यार, नाखून तो काट दिए बट मेरे ख्याल से दाढ़ी भी मैंने बनानी पड़ेगी, यू नो सेट करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ी हो रखी है ना, और अगर इसको सेट करके आऊँगा घर से तो तब जाके मेरे बाल अच्छे से सेट हो पाएंगे क्योंकि बाल भी बहुत बड़े हो रखे हैं। साइड से तो उतने नहीं लग रहे हैं बट ये जो बाल हैं इधर से ये लग रहे हैं बहुत बड़े, साइड से तो उतने नहीं लग रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना कटाऊंगा आज, रहन दो क्या, दाढ़ी सेट करके देखता हूँ, अगर बाल सही लग रहे होंगे तो बाल नहीं कटवाऊंगा अभी, बाल थोड़ा रुक के कटवा लूँगा, अदरवाइज बाल कटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं दाढ़ी सेट करता हूँ उसके बाद देखता हूँ। बाल तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक लग रहे हैं, अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि बाल कैसे हो रखे हैं गाइस, ठीक है। दाढ़ी में सेट कर सकता हूँ दाढ़ी, तो गैस ट्रिमिंग की मैंने बट थोड़ी ज़्यादा ही ट्रिमिंग हो गई है, थोड़ी बियर्ड जो है बहुत ही लाइट हो गई है, थोड़ा सा मैं रख रहा था थोड़ी हैवी सी, बट दिक्कत होगी बहुत ही ज़्यादा लाइट होगी, अब लग रहा है कि हाँ हेयर भी सेट करवाने पड़ेंगे, हेयर कटिंग करवानी पड़ेगी। अभी का तो टाइम निकल चुका है क्योंकि 12:30 बज चुका है, अभी मैं जा नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ बाल कटवाने। अभी मैं निकला हूँ खेत की ओर जहाँ पर मम्मी घास काट रही थी, वहाँ पर कोई मशीन लेके आ रखे हैं, तो शायद से मम्मी मशीन लगाने की सोच रही होगी इसलिए नहीं आई अभी तक, वरना आ जाती। इधर लगी है मशीन और मम्मी भी मिल गई, मम्मी वापस ही आ रही थी। ओ मम्मी अब क्या है आपका प्लान? मशीन नहीं मिल रही बल, मम्मी नहीं कटवाई, अब हम हाथ से ही काटेंगे, कोई नहीं अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ या अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ है कहावत है, हाँ अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से ही काटेंगे हम लोग, 2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे बट कोई नहीं,
पैसा बचेगा भाई, सबसे मेन पैसा बचेगा। और समय कोई बात नहीं, समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कैंसिल हो गया वो जितना उतना सही है। बाल कटा दिएगा? ना ना ही देखो दाढ़ी काट रखी है, मेरे को लगा कि औसत है ही नहीं बाल कटाने की, तो इसलिए मैंने कटवाया ही नहीं। सही लग रहे ना अभी थोड़ा सा? दाढ़ी बड़ी और की थी इसलिए थोड़े बाल भी बड़े लग रहे थे, बट ठीक है संडे को कटवाऊंगा। ठीक है, गांव कुछ ऐसा दिख रहा, अभी घास आस कटी नहीं है, पेड़ भी अभी ऐसे हरे भरे, उस पार से सब कुछ कट चुका है, इधर खेत सारे साफ हो चुके हैं, धान की फसल कट गई है ऑलमोस्ट, अभी बीच में थोड़ा सा नौ बचा हुआ है। अब धीरे 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 कोई मसूर लगाएगा, कोई गेहूं लगाएगा, ऐसे खेती फिर से शुरू होगी। तो भैया पहुंच चुके हैं घर, और आज है फिर से एक बार कद्दू डे, मतलब कद्दू का सीजन है तो कद्दू चलते ही रहता है, तो फिर से आज कद्दू का दिन है। मैं तो ऐसे ही बाकी मसाले काट काट के डालता हूँ, पापा की फरमाइश थी कि पीस के डालो, तो लहसुन पीस रहे पापा उधर। श्राद्ध खत्म हो चुके हैं तो हम लहसुन वगैरह खा सकते हैं ना? खाली लहसुन दो पहले, लहसुन नहीं कम खा भैया, आलू ठीक है तो आलू, सब्जी टेस्टी नहीं बनती क्या? खाली ब्लेम एक नंबर का। इतनी ढेर सारी मिर्च काट रखी है जो कि पड़ेगी इसमें कद्दू में, और देखना ये होगा कि कद्दू खाने के बाद सबका रिएक्शन कैसा होता है, होता है या ऐसा होता है। नमक के साथ बाकी मसाले ऐड हो चुके हैं, बट सबसे सीक्रेट मसाला है मेरा ये, जो कि पापा को पता नहीं है, ये है चीनी। मैं ऑलमोस्ट अपनी हर सारी डिशेज में, जितनी भी डिशेज बनाता हूँ वो सब में ही होता है, मोस्टली हर डिश में। ठीक है, तो इसको फिर से ऐड करता हूँ, पापा वीडियो देखेंगे उस टाइम देखेंगे हर वीडियो, तभी क्या हूँ मैं, हर सब्जी मीठी की होती है इतनी सी। ठीक है, इतनी सी क्वांटिटी में बस, पानी डालने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा कलर भी आता है इसमें मसाले में, और उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है, यू नो स्वीट एंड सॉल्टी, काफ़ी टेस्टी फ्लेवर ऐड हो जाता है इसमें मसालों में। बाय बाय, मिलते 10-15 मिनट बाद, भगवान बस सब्जी अच्छी बन जाए, पापा को पसंद आए, बस पापा बोले जुम्मे सॉरी। एक काम से फुर्सत मिलती नहीं कि दूसरा पकड़ा देते हैं। जैसे कि मैं अकेले खा रहा हूँ सारे भट। बता रहा हूँ कल से नहीं बनाऊंगा ना खाना। चलो तारीफ में दो शब्द। क्यों हो रहा है? नमक मेरे लिए कमी ठहरा। और मिर्च ठीक हो रही है। ओके, और मसाले? मसाले तेल कम है। और गया तो। क्या छोड़ बताओ अब? क्यों क्या के खुशन की वो ऐ रंगत चार पांच एक खून अलगुणा ही मिल दी यार लंजब की। खाओ बाब, आंखों को देखो इसके, मिर्च से और नाक के पास से पसीना। पापा का पसीना बता रहे कि खाने में कितनी मिर्च है, पर पापा ने थाली पूरी साफ कर रखी है इसका बहुत। अगली बार से फिर ऐसे ही खाना बनाऊंगा, आपकी चॉइस के। ठीक है, थोड़ा सा नमक भी ज़्यादा डाल दूंगा ताकि दिन भर ये पानी पीते रहे। ठीक है, इस पर क्या राय है आपकी? लंच करके बाहर जाने वाले होगा, हर इंसान का मुंह ऐसा है, ऐसे लटक लटक के जा रहे हैं मुंह बार बार। मम्मी शांत हुई मिर्च? लग गए हो। तो भैया पहाड़ों में कभी लौकी का हलवा नहीं बनता किसी के भी यहाँ, तो आज हम पहली बार घर की लौकी, जो कि अम्मा लोगों के यहाँ से थोड़ी थी लौकी, तो उस लौकी का हलवा बनाने जा रहे हैं। देखते कैसा टेस्ट होता है, पहला अटेम्प्ट है लौकी का हलवा, लाइफ में पहली बार बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पहाड़ी नवाब किचन में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं लौकी का हलवा, आइए हमारे साथ शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। वैसे लौकी घिसके एक और चीज बनती है लौकी से, वो बनते कोफ्ते, पर हम कोफ्ते नहीं बना रहे आज, हम लाइफ में पहली बार आज हम बनाएंगे लौकी के हलवे, लौकी के हलवे। लौकी का हलवा, तो लौकी का हलवा बनाने के काफी तरीके हैं जो कि मैंने YouTube में देख रखे हैं, हमारे गुरुदेव YouTube में, तो YouTube में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लौकी का हलवा कैसे बनाते हैं आप डालेंगे वॉइस सर्च करेंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा, तो आप सर्च कर सकते हैं, और अगर नहीं सर्च करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप हमारी वीडियो पे देख सकते हैं और वीडियो में एंड तक बने रह सकते हैं। जब अच्छे से लौकी कद्दूकस हो जाए उसके बाद गैस जलाओ। मैंने घी डाल दिया है, ठीक है, थोड़ा सा घी और हल्का सा पानी और हल्का सा नमक चुटकी भर, ताकि अच्छे से गल जाए, सीटी नहीं देनी है ज़्यादा, हल्के आंच में, जब तक सीटी आती है उस टाइम तक ऐसे इसको तैयार रखना है, जैसे सीटी आने लगे बंद करो, क्योंकि बहुत ही हल्के रेसे हैं उसके, तो बहुत जल्दी पक भी जाएगा, तो वो इसीलिए इसको ऐसे कर रहे हैं, जैसे ही पक जाएगा उसके बाद ही पानी भी सूख जाएगा हल्का फुल्का। अरे भैया मैं तो भूल ही गया यार, रोटी भी बनानी है, हलवे के चक्कर में दिमाग से सब सटक गया था, तो जब तक इसकी सीटी उतरती है तब तक हम आटा गूंद देते हैं। ठीक है, पानी
लौकी की सीटी उतर चुकी है और इसका पानी सूखा रखा है, तो पानी भी लगभग सूख चुका। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, घी ज़्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि पापा को खांसी होती है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। चीनी हम प्रॉपर डालेंगे 2 से 3 चम्मच, और एक सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है इलायची पाउडर। ठीक है, इलायची पाउडर मैंने यहाँ पे बना लिया था, तो इलायची पाउडर भी सबसे इम्पोर्टेंट। लौकी से लौकी का फ्लेवर धीरे धीरे गायब होने लगेगा इससे, और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। अब बारी है दूध डालने की, तो दूध मैंने थोड़ी देर पहले ही गर्म करके रख दिया था ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए हमें बनाने में। असौच का टाइम हो रहा है और थकान वगैरह बहुत हो जाती है दिन भर की थकान, तो इसलिए टाइम जितना कम लगे उतना सही रहता है हमारे लिए, इसलिए हम सारी चीज़ें प्रिपरेशन वगैरह पहले से ही कर देते हैं। ठीक है, लौकी ज़्यादा नहीं, लौकी बहुत कम है आज, तो मैं ट्रायल के तौर पर बना रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा काफ़ी अच्छे तरीके से। लौकी का हलवा रेडी है हमारा, थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, थोड़ा सा फूड कलर होता ग्रीन कलर का, हाँ हाँ क्या रंगत आती, बट कोई नहीं, बहुत ही ड्राई बना रखा है मैंने, पापा का पहले से ही मुंह बन गया। ठीक है, खाने के बाद पता चलेगा, चीज़ों को देख के मुंह नहीं बनाना चाहिए, काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा बना रखा है मैंने। ठीक है, वैसे एक और बात मम्मी लोगों से बोलना चाहूँगा, मम्मी पापा से। ठीक है, मम्मी आपको मेरे होते भोग की कमी महसूस होती है है पापा आपको लगता है ऐसे कि मेरे को अभी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए ना? फीमेल का मेंटली क्या करो पे यहाँ ना ही कोई बाप रे, कमेंट तो मैंने लिखा ही, पापा ने भी कमेंट पढ़ गया था, बल किसी ने कमेंट किया था वीडियो में कि मेरी शादी कर दो, मम्मी के था वो कमेंट, बट मैंने उनको काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिया मम्मी मम्मी की तरफ से, उसके बाद वो समझ भी गए थे वैसे। ठीक है, तो मेरे तो घर वालों को बहू की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती, इसलिए जो भी बहू अगर उनकी है वीडियो कोई देख रही है कहीं से, तो कोई ज़रूरत नहीं शादी की। ओहो, मंद मंद मुस्कान मम्मी। तो फिलहाल डिनर तैयार है, देखो कितने सौभाग्यशाली हो मेरे हाथों के बनाए फुलके, देखो फुलके आपको नसीब हो रहे हैं। कुछ बोलोगे मेरी तारीफ में? बोल दो। हाँ कुछ भी बोलो जो मन में आ रहा है मेरे काम को लेके। सुबह उठते हो नाश्ता मिल जाता है, दिन में आपको टाइम पे लंच मिल जाता है, शाम को आपको डिनर मिल जाता है। ठीक है, काम करके आते हो, हर काम में हेल्प हो जाती है। और बताओ गोरी गोटा गोबर तो कुछ उड़ी में आ रहा, मैं क्या करूँ? अच्छा लगता है, थोड़ा सहारा हो जाता है पापा को, थोड़ा नहीं बहुत सहारा हो जाता। पापा को, पापा को कोई मतलब नहीं है, काम करो ना करो उनकी तरफ से एक ही है बस, चाहे कुछ भी कर लो पापा को उतना मतलब नहीं रहता है, पर यह कि पापा को टाइम पे नाश्ता मिल जाता, टाइम पे खाना मिल जाता, तो उनके लिए बहुत 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 बड़ी बात है। लौकी का हलवा पापा भी पहली बार खाएंगे, मम्मी आप भी, मम्मी भी पहली बार। ठीक है, और ना ना टेस्ट बोलो रहो, ब्याल में खाओ, घी नहीं डाल रखा उसमें, अब इनका झगड़ा होता आपस में, तो चम्मच वाला खा लियो मैं ना, रोटी में रख के खाएंगे, रोटी तो खाना खाओ ना, खाली अल्लू अल्लू खाओ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ फिर रोटी के साथ अलवा, खाओ और खाओ फिर। है इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, मैंने तो सोचा नहीं था इतना टेस्टी था, सच में यार इतना स्वाद हो रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो सोच रही थी खाने लायक भी नहीं होगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा, खाओ फिर खाओ, हम भी खा लेते हैं अब। ठीक है, खाना अनमनी बोलते रहो कि ना उनको खाता। तो दोस्तों एक बार फिर से हम डिनर करने के बाद पहुंच चुके हैं पहाड़ी सिंक पे, और सिंक पे देखो जैसे कि हमेशा ही बर्तन सिंक से बाहर गिरते वैसे ही अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, भरी रो पुर पन्याण बाल भरी रहो मतलब ये बताइए, और अब तो ठंडा भी होने लगा तो पानी में हाथ डालने में बहुत ऐसे डर जैसा लग रहा है, बड़ी हिम्मत करके पानी में हाथ डालना पड़ रहा है, ठंडियों में ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, पर यह है कि दिल बांट के काम करने में अच्छा लगता है ना। देखो जैसे मम्मी मम्मी और साबुन लगा रही बर्तनों में और मैं पानी से छान रहा हूँ, तो काम कितना ज़्यादा हल्का हो रहा है, वरना एक ही इंसान लगा रहेगा तो अच्छा भी नहीं लगता है। और हाँ, लौकी के हलवे का टेस्ट अभी भी नहीं गया मुँह से, अभी भी टेस्ट आ रहा है बढ़िया सा, टेस्ट को बरकरार रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, मुँह में जितनी हवा जाएगी टेस्ट बाहर को आएगा ना, ज़्यादा नहीं बोलते। ठीक है।